सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण और आज की इस नई वीडियो में गाइस जो वीडियो हम एडिट करने वाले हैं, चलिए गाइस पहले मैं आप सभी को उसका जो है प्रीव्यू दिखा देता हूं। प्रीव्यू को देखने के बाद आप लोग एक चीज तो समझ गए होंगे कि ये वाली जो वीडियो है इतनी ज्यादा हार्ड भी नहीं होने वाली है। तो आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो तो आपको हार्ड चीजों से तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो भी हार्ड एडिटिंग होती है वो मैं आप लोग को एकदम इजी से इजी स्टेप में समझाने की कोशिश करता हूँ एंड सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देख लेना, बस इतना कर लेना। बाकी ये वाली जो वीडियो हम इसको सिर्फ दो स्टेप में एडिट करेंगे एंड दोनों स्टेप जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान से देखना। बाकी जो भी है, मतलब वीडियो का लाइक नहीं करी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लो अभी से। बाकी चलिए इस वीडियो को जो हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि ये वाली जो वीडियो हम दो स्टेप में एडिट करेंगे, तो उसमें से जो पहला स्टेप है वो है गाइस हमारा शूट का। तो गाइस आपको वीडियो को शूट कैसे करना है, सो गाइस लास्ट टाइम मैंने ये वाली वीडियो शूट करी थी जब मैंने मतलब कि लास्ट वीडियो अपनी अपलोड करी थी, तो जो मैंने थंडर इफेक्ट वाली वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने वीडियो को यूज किया था, तो उसमें से मैंने वीडियो को जो है मतलब उठा के मैंने इस वाली वीडियो में यूज करा है। तो आपको कैसे यूज करना है आपको मैं चलिए बताता हूँ आप सभी को। तो आपको इस टाइप से वीडियो को शूट कर लेना है। बाकी अब आगे प्रोसेस देखते हैं, हम अपना जो एडिटिंग का है उस वाली प्रोसेस पे चलते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है गाइस, यहाँ पे आप लोगों को जो है एडिटिंग करनी है जो हमें कैपकट ऐप में करनी है। तो गाइस आप लोगों को जहाँ पे अपना वीपीएन पहले से कनेक्ट कर लेना है, ठीक है? मैंने यहाँ पे कनेक्ट करा हुआ है, जहाँ पे हम डायरेक्ट कैपकट ऐप को ओपन कर लेंगे। अब गाइस जैसे आप कैपकट ऐप को ओपन करोगे तो गाइस आप लोगों को यहाँ पे अपनी वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, दोनों वीडियोज को जो मैंने गाइस आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में, जैसे मैंने शूट किया है जिन्हें, तो आपको उनको ऐड कर लेना है। एंड आप चाहो तो जैसे कि गाइस मैंने प्रीव्यू में दिखाया था वैसे भी आप अपनी वीडियो को शूट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है? तो बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट है उनको मैं डिलीट कर दूंगा। बाकी सबसे पहले हम यहाँ पे ऑडियो को ऐड करेंगे, क्योंकि ऑडियो के अकॉर्डिंगली हम वीडियो को एडिट करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जैसे कि मैं ऑडियो को ऐड करा, तो यहाँ पे ऑडियो जो है थोड़ी आगे पीछे है, तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले यहाँ पे मैं जो है मतलब कि पहले यहाँ पे स्काई चेंज करूँगा, ठीक है? वीडियो में तो यहाँ पे हम जाएंगे ओवरले में, एंड यहाँ से हम जो स्काई का ये फोटो है मैंने डाउनलोड कर रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा इसका, ठीक है? इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो मैं इसको ऊपर की साइड में रखूँगा। फिर उसके सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे मास्क वाले ऑप्शन में, एंड उसके बाद यहाँ पर लीनियर वाला जो है ये ले लेंगे, एंड उसको नीचे की साइड में लाएंगे इसको हम, एंड यहाँ पे जो इसको स्मूथ कर लेंगे ताकि जो है ये अच्छे से हमारे बैकग्राउंड में फिट हो जाए, ठीक है? अब गाइस देखिए, इसके बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे इतना हो जाने के बाद अब आपको यहाँ पे जो है दोबारा से ऐड वीडियो में जाना है, ठीक है? एंड उसके बाद यहाँ से आपको उसी वीडियो को ऐड करना है जो आपने सेकंड वाली वीडियो अपनी ऐड करी थी, ठीक है? अब इसको ऐड कर लेना है, एंड उसके बाद आप लोग उसको फुल स्क्रीन कर देना है कुछ इस टाइप से, एंड इसको ऐड कर देने के बाद आपको फिर क्या करना है, यहाँ पे अच्छे से उसको एडजस्ट करना है ताकि कोई भी आगे पीछे का पार्ट ना हो। फिर इसके बाद आपको जाना है क्रोमा की में, क्रोमा की में जाने के बाद आप लोग को कुछ इस टाइप से जो है यहाँ पे इसको रिमूव कर देना है गाइस, ठीक है? यहाँ पे रिमूव हो जाएगा तो ये आपका मॉडल वहाँ पे आ जाएगा, तो बाकी आपको जो है इसका लेंथ यहाँ पे फुल कर देना है, ठीक है? बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा उनको कट करके डिलीट कर देंगे। अब गाइस देखिए, यहाँ पे इसके बाद का प्रोसेस जो है आप सभी को करना है कि आपको ऐड वीडियो में जाना है दोबारा से, एंड यहाँ पे गाइस आपको जो मिसाइल वाला जो वीडियो है गाइस आपको यहाँ पे इसका ब्लेंडिंग मोड पहले चेंज करना है, ठीक है? एंड यहाँ पे जो है हम इसका लाइट एंड फिल्टर दोनों में से कुछ एक रख देंगे, एंड उसके बाद जहाँ तक हमें चाहिए वहाँ तक हम इसका लेंथ रखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले गाइस ये देखना आप सभी को कि ये जो है आपके ऊपर से होके ना गुजर रहा हो, ठीक है? इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, नहीं तो क्या है कि अगर ये आपके ऊपर से जा रहा होगा तो वीडियो नकली लगेगी, ठीक है? तो मैं पहले आपको बता देता हूँ ये चीज़, तो जो है हम इसको आगे की तरफ रखते हैं पहले, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। देखिए कैसे ये मेरे ऊपर की तरफ से होके जा रहा था, तो मैं इसको रोटेट कर लूँगा इस तरीके से, ठीक है? इस तरीके से, एंड इसको मैं ऊपर की साइड में रख दूँगा, ठीक है? तो आप लोग को भी इस तरीके से कर देना है। अब यहाँ पे गाइस हमारी वीडियो काफ़ी अमेजिंग लग रही है, बट यहाँ पे जो एक्स्ट्रा पार्ट है इनको हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली इस तरीके से छोटा कर देंगे, ठीक है? अब इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे अब स्टार्टिंग में आना है। स्टार्टिंग में आने के बाद आप लोगों को जो यहाँ पे एक बार प्ले करके चेक कर लेना है, वीडियो को प्ले करके चेक करते रहना है, बट यहाँ पे पहले हम टेक्स्ट में जाएंगे। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे गाइस आप लोगों को सिंपली यहाँ पे टाइप कर देना है हाउ इज योर लाइफ, ठीक है? हाउ इज योर लाइफ या हाउ इज योर लाइफ भी लिख देना है, ठीक है? दोनों में से जो मर्जी आप लिख सकते हो, ठीक है? इतना लिख देने के बाद आप लोगों को यहाँ पे करने के गाइस आप लोगों को कुछ इस टाइप से ऊपर की साइड में इसको रख देना है, एंड बाकी इसमें एनिमेशन वगैरह एंड जो फोन्स वगैरह भी हम चेंज करेंगे अभी, ठीक है? तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब हम पहले क्या करेंगे, फोन्स में जाएंगे, एंड उसके बाद ये जो इंग्लिश है इंग्लिश में जाके हम यहाँ पे जो ये वाला फोन रखेंगे, ठीक है? अब उसके बाद स्टाइल में जाएंगे, आप इसको ब्लैक कलर कर देंगे ताकि जो है अच्छे से विजिबल हो। बाकी अगर आपको इफेक्ट वगैरह भी मतलब सॉरी इफेक्ट कह रहा हूँ, इफेक्ट में से अगर कोई ग्लोइंग वाला लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। बाकी हम सेकंड वाले में यहाँ पर गुड करके लगा देंगे, ठीक है? हमारी जो लाइफ है बहुत अच्छी चल रही है, बस इतना खास तो कुछ चल भी नहीं रहा, बट हम वीडियो के लिए कर देते हैं इतना, ठीक है? तो यहाँ पर कर देते हैं, बाकी इसको जब पूरी लेंथ रख देंगे इसकी इतनी, ठीक है? अब इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, आप एक बार चेक कर लेना प्ले करके, बट अभी गाइस जितनी वीडियो खास नहीं लग रही है, ठीक है? क्योंकि अभी हमने जो इसमें अच्छे से कुछ अभी एडिट नहीं करा है, तो अभी हम इसको एडिट करेंगे। तो गाइस यहाँ तक इतना हमारा हो चुका है, तो आप सबसे पहले गाइस जिसमें क्या करना है, हमें यहाँ पे लगाना है एनिमेशन, ठीक है? तो एनिमेशन लगाएंगे, पहले यहाँ पे जाएंगे एनिमेशन में। एनिमेशन में जाने के बाद आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो आप लोग को जहाँ पे ये फर्स्ट वाला लगा देना है, ठीक है? एंड इसकी जो टाइमिंग वगैरह आप इसको
जो है अपने हिसाब से आपको बढ़ा देना है गाइस, ठीक है। अपने हिसाब से रखना है कि आप कितना फास्ट एंड कितना स्लो चाहते हो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे इतना रख देना है। अब गाइस देखिए यहाँ पे जो है, अब आपको करना क्या है, इसके बाद जो है यहाँ पे गाइस हमें लगाना इफेक्ट है, ठीक है। जैसे कि मतलब म्यूजिक के बीच में जो इफेक्ट आता है उसको, मतलब कि थोड़ा जो लास्ट में जब हमारा वीडियो जैसी चेंज होगी वहाँ पे एक इफेक्ट चाहिए हमें, तो वो इफेक्ट लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पे हम जाएंगे वीडियो इफेक्ट में, मतलब इफेक्ट्स में जाएंगे, फिर वीडियो इफेक्ट में जाएंगे। वीडियो इफेक्ट में जाने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, ठीक है। एंड इसको जैसे ये जूम वाला ये दिख रहा है आपको सिंपली इसको लेना है। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे जूम वाला लेने के बाद आपको स्टार्टिंग में कर देना इसको, और छोटा कर देना थोड़ा सा, ठीक है। मतलब ज़्यादा देर तक हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो इतना कर रखते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब इतना हो जाने के बाद आप लोग यहाँ पे जो है एक शेक इफेक्ट लगाना है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो को आगे तरफ रखेंगे, फिर वीडियो इफेक्ट में जाएंगे दोबारा से, एंड यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे शेक मिल जाएगा। अब इसकी इंटेंसिटी जो इसको हम कम करेंगे गाइस, ठीक है, इंटेंसिटी ज़्यादा नहीं रखना। एंड इसको देखा जिसकी जो लेंथ है इसको भी ज़्यादा नहीं रखना है हमें, ठीक है। तो इसको हम कम कर लेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे परफेक्ट है गाइस, ठीक है। इतना कर देने के बाद अब आप इसको भी कोई एक बार आप ले करके देख लेना। एंड उसके बाद यहाँ पे जो है हम यहाँ पे कुछ मतलब जो एनिमेशन वगैरह है वो भी चेंज करना है, मतलब इफेक्ट वगैरह भी लगाना है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप वीडियो पर टाइप करेंगे, यहाँ पे एनिमेशन में जाएंगे। एनिमेशन में जाने के बाद एकदम लास्ट में चले जाना, लास्ट में जाने के बाद वो थर्ड नंबर पे आपको मिल जाएगा, थर्ड या फोर्थ नंबर पे आपको इसको लगाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है हमने जो जो PNG वगैरह लगाई थी फोटोज़ की और जो हमने वीडियो की, वो सब भी हमें चेंज करनी पड़ेगी गाइस, ठीक है। तो पहले मैंने यहाँ पे इफेक्ट लगा दिया था गलती से, अभी मुझे समझ नहीं आया मैंने कब लगाया था, तो मैंने इसको हटा दिया अभी तो फिलहाल के लिए। अब बाकी जो जो वीडियो हमने यहाँ पे ऐड करी थी उन सभी पे आपको वही सेम इफेक्ट लगा देना है, जो जो हमने PNG लगाई थी और जो दोबारा वीडियो ऐड करी थी उन सभी पे आपको वही इफेक्ट लगा देना है गाइस, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, ताकि जो है सभी चीज़ें एक साथ जो है मतलब कि मूव करनी चाहिए, ठीक है। इफेक्ट वगैरह जो है एक साथ वर्क करना चाहिए, तभी वो लगेगा। देखिए यहाँ पे मैंने करा, तो अब आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे इफेक्ट हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी अच्छी लग रही है हमारी वीडियो। अब देखिएगा जितना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, आपको इस वाली पे मैंने एनिमेशन नहीं लगाया था, तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट पे लूँगा एंड एनिमेशन पे जाएंगे। एनिमेशन में जाने पर वही सेम एनिमेशन लगाएंगे जो हमने फर्स्ट वाली पे लगाया था, ठीक है। तो हम यहाँ पे लग चुका है, अब इतना हो जाने का इसको हम करते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, एंड यहाँ पे करते हैं डन, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा लग गया, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस देख सकते हैं हमारी लगभग जो है वीडियो यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आप सभी को यहाँ पे इस पर एक्सपोर्ट कर देना है। बाकी गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, तो आई होप कि आपसे वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी चलेगा मिलता हूँ किसी वीडियो में, तब तक लाइक, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, गुड बाय।